प्रैक्टिस सेट 19। ओके, प्रैक्टिस सेट 19 में क्या दिया है, ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एट डिस्क्राइब्ड बिलो। ओके, हम लोग को यहाँ बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, एंगल्स ड्रॉ करना है। ओके, इफ़ डैट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर हम लोग को जो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम लोग को बनाने नहीं जम रहा है एंगल्स, तो से वाई, मतलब उसका रीज़न हम लोग को लिखना रहेगा कि हम लोग वो एंगल क्यों नहीं बना सकते। ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या करना रहेगा। हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट और लीनियर, ये हम लोग को चारों के प्रॉपर्टीज़ हम लोग को पहले देखना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे हम लोग को एंगल्स बनाना है। तो फर्स्ट में ले लेता हूँ एडजेसेंट, ओके एडजेसेंट एंगल हो गया। सेकंड हम लोग ले लेते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थर्ड हम लोग लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, लास्ट लेते हैं हम लोग लीनियर पेयर या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, अब हम लोग सबसे पहले सबके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हम लोग को एडजेसेंट मतलब पता है। ओके, एडजेसेंट मतलब दो ऐसे एंगल जो क्या होंगे, हम लोग के साइड बाय साइड होंगे, ठीक है, जिससे हम लोग का क्या रहता है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड और सेपरेट इंटीरियर। ओके, एडजेसेंट हम लोग को क्या क्या था पहले, कि हम लोग का उसका कॉमन क्या रहेगा, आर्म रहेगा। ओके, उसका हम लोग का कॉमन साइड रहेगा, एग्जाम्पल BM। ओके, सेकेंड हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स रहता है उसका, क्या हम लोग का कॉमन वर्टेक्स, B। ओके, और हम लोग का दोनों का इंटीरियर क्या रहेगा, दोनों एंगल का सेपरेट रहेगा, ठीक है, दोनों का इंटीरियर क्या रहेगा हम लोग का सेपरेट, इंटीरियर सेपरेट। ये मेरा एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टीज था। ओके, ये मेरे दो एंगल है, ठीक है, ये दोनों क्या एडजेसेंट हो गए। सेकंड हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने क्या बताया था तुम लोग का, कि दो एंगल अगर हम लोग प्लस करेंगे तो उसका सम कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। जैसे मेरा फर्स्ट 30 हो गया, ये मेरा 60 हो गया, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो जाता है मेरा, 90 होता है, ठीक है। सेम वैसे अगर हम लोग का दो एंगल है, दोनों को प्लस करके अगर मेरा 90 आ रहा है, तो वो हो जाएगा हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, ज़रूरी नहीं वो एक ही एंगल में हो, वो हम लोग का अलग अलग एंगल भी हो सकता है। ओके, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, देखो ये 60 हो गया, ये मेरा 30 हो गया, ऐसे दो अलग अलग एंगल भी हो, ठीक है, और दोनों को भी हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होता है, हम लोग का 90 होगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो इसका स्टेटमेंट क्या था हम लोग का, दोनों एंगल को मैं प्लस करूंगा तो 90 हो रहा है। ओके, तो हम लोग का क्या रहेगा स्टेटमेंट, सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है, दो एंगल को हम लोग प्लस करेंगे तो उसका मेजर कितना होगा, 90। सेम वैसे हम लोग का सप्लीमेंट्री था, सप्लीमेंट्री में हम लोग को कितना होता था, अगर दो एंगल प्लस करेंगे तो 180। ओके, देखो ये मेरा स्ट्रेट लाइन 180 बना रहा है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, समझो एक मैंने 40 ले लिया, तो दूसरा कितना हो जाएगा हम लोग का 140, दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है मेरा, 180 हो रहा है, ठीक है। अब इससे हम लोग का ये कंपलसरी नहीं है कि हम लोग का वो एक ही में हो, ओके, ये हम लोग का दो अलग अलग भी एंगल हो सकता है, ठीक है, देखो इसको दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ तो मेरा 180 हो रहा है। सेम वैसे अगर हम लोग अलग अलग एंगल बना दे, ये मेरा फर्स्ट हो गया 140, ये सेकंड हो गया मेरा 40, ठीक है, ये दोनों एंगल भी क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों को प्लस करो तो कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, मतलब ये दोनों एंगल भी मेरे क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो ये दोनों क्या है मेरे, सप्लीमेंट्री एंगल्स है।
इसका स्टेटमेंट क्या था, सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180। ओके, नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे, वो भी सेम हम लोग का सप्लीमेंट्री के जैसे होता है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, हम लोग का सप्लीमेंट्री के टाइप के जैसे हो जाएगा, जिसको अगर हम लोग दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो हम लोग कितना होगा वो 180। ओके, जैसे कि ए बी डी और सी बी डी, ये दोनों का अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है हम लोग का 180। ओके, ये सेम वैसे ही वर्क करता है, लेकिन इसमें क्या होगा, हम लोग का ये दोनों एंगल सेपरेट नहीं हो सकता, दोनों को सेम लाइन में क्या करना होगा, लाई करना होगा, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं या दो एंगल में डिवाइड करते हैं, सिर्फ उसी को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। ओके, सप्लीमेंट्री में ऐसा नहीं था, सप्लीमेंट्री हम लोग सेपरेट करेंगे तो भी वो क्या होता था, सप्लीमेंट्री रहता था, अगर दो अलग अलग एंगल को हम लोग लेंगे तो। लेकिन लीनियर में नहीं होता, तो फर्स्ट हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग का कौन सा हो जाएगा, पहला वो एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है, जो हम लोग के दोनों क्या है, एंगल साइड बाय साइड है। देखो ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है मेरा, ठीक है, दोनों का इंटीरियर अलग है और कॉमन वर्टेक्स है। ओके, सेकंड मुझे क्या मिलेगा इसमें, कि वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होगा दूसरा, हम लोग का सप्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, देखो दोनों को मैं प्लस करो तो 180। अब मेरा थर्ड क्या हो रहा है हम लोग का लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में, कि वो कॉमन आर्म शो करता है या कॉमन साइड शो करता है, जैसे कि हम लोग का BD, ठीक है, और हम लोग को उसमें क्या मिलेगा, कॉमन वर्टेक्स। ओके, कॉमन वर्टेक्स भी हम लोग को मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो दोनों हम लोग के एडजेसेंट एंगल है, करेक्ट। ये हम लोग को मिल गया, ये हम लोगों ने क्या काम किया अब इसमें, देखो हम लोग का ये सप्लीमेंट्री भी हो रहा है, एडजेसेंट भी हो रहा है। ओके, ये हम लोग का लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये इसके प्रॉपर्टीज पूरे। ओके, बस इतना ध्यान रखना कि लीनियर पेयर में हम लोग का क्या रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन में ही लाई करेगा दोनों एंगल। ओके, बस यही हम लोग का छोटा सा डिफरेंस है सप्लीमेंट्री और लीनियर में। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को फर्स्ट में क्या दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डेट आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है, लेकिन क्या है वो एडजेसेंट ना हो, एडजेसेंट मतलब साइड बाय साइड ना हो। तो हम लोग को क्या करना है, दो अलग अलग एंगल बनाना है। तुम लोग कोई भी मेजरमेंट का ले सकते हो, तुम लोग को बस करना क्या रहेगा कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। ओके, देखो मैं इधर स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, तुम लोग को डी से बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली ऐसे रफली बना सकते हो एज्यूम करके। ओके, अगर डी है तो और अच्छी बात है, तुम लोग डी का यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो तुम लोग नॉर्मली ऐसे बनाओ। ओके, और मेजरमेंट बस राइट दे देना। ओके, ये देखो मैंने दो एंगल बना दिया। ओके, ये मैंने 60 का बनाया और ये मैंने 30 का बनाया, दोनों का अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 90। एंगल को नेम दे दो और ये हम लोग का फर्स्ट वाले का आंसर। ओके, मेरे दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन क्या है वो एडजेसेंट नहीं है। ओके ओके, देख लो हम लोग का क्वेश्चन में क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है लेकिन वो एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो एडजेसेंट का प्रॉपर्टी इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, दो अलग अलग एंगल है, दोनों का ना कॉमन वर्टेक्स है ना साइड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। ओके, हम लोग को दो ऐसा एंगल बनाना है लीनियर पेयर का, लेकिन वो क्या हो, सप्लीमेंट्री एंगल ना हो। देखिए हम लोग का प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है, लीनियर पेयर हम लोग के क्या होते हैं, हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। हम लोग का हमेशा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, मतलब दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो वो क्या होगा, हम लोग का 180 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग का आंसर नहीं आ सकता, ठीक है, मतलब ऐसे कोई एंगल हम लोग का बनेगा ही नहीं। ओके, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस इज
नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है. रीजन, दी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. एंगल, ओके, हम लोग का जो लीनियर पेयर होता है वो ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल होता है, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे हमेशा 180 आता है. ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारा एंगल नहीं बना सकते. नाउ नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. ओके, हम लोग को क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, जो हम लोग का लीनियर पेयर ना बने. ओके, तो हम लोग इजिली बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कभी लीनियर पेयर नहीं बनाता. ओके, तो हम लोग इसको इजिली बना सकते हैं. तो हम लोग कोई भी क्या काम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे. तो मैं दो एंगल बना देता हूँ. ओके, हम लोगों ने देखा है कि लीनियर पेयर हम लोग का सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाता. ओके, जिसके पास डी है वो डी का यूज कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो मेजरमेंट राइट लिखो चलेगा. ओके, ये मैंने 50 का ले लिया, ये मैंने 40 का ले लिया, ऐसे करके दो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना दिए, और ये दोनों क्या है, हमारे लीनियर पेयर नहीं है. ओके, देखो लीनियर पेयर बनाने के लिए हम लोग का 180 होना चाहिए, लेकिन हम लोग का ये क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, देयरफॉर ये हमारा आंसर राइट है. ओके, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, ठीक है, जो डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये मैंने दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना दिया, और ये क्या हो रहा है, हम लोग का लीनियर पेयर नहीं बना रहे. क्लियर है इतना, तुम लोग सारा प्रॉपर्टीज देख सकते हो इधर, ठीक है, मैंने प्रॉपर्टीज इधर रखा है, तुम लोग प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग का ये आंसर आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर. ओके, हम लोग को क्या बोला है, ऐसे एडजेसेंट एंगल बनाना है जो लीनियर पेयर ना हो, तो ये पॉसिबल है हम लोग का, ठीक है, हम लोग को दो एडजेसेंट एंगल बनाना है जो लीनियर पेयर ना हो. ओके, तो हम लोग इसको इजीली बना सकते हैं, हम लोग को बस क्या करना रहेगा, दोनों ऐसे एंगल बनाने पड़ेंगे जो 180 से कम हो. ओके, नॉर्मली हम लोगों ने दो एंगल बना दिया, इसको मैं नेम दे देता हूँ, ठीक है, ये देखो ये मेरे दो अलग अलग एंगल हो गए, अगर दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ तो मेरा लीनियर पेयर नहीं बन रहा है. ओके, और ये मेरे दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, दोनों का इंटीरियर अलग है, कॉमन साइड है और कॉमन वर्टेक्स है इसका, तो ये हम लोग का एडजेसेंट हो गया, लेकिन अगर मैं दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो मेरा लीनियर पेयर नहीं बन रहा है ये, ठीक है, देख सकते हो तुम लोग, क्योंकि लीनियर पेयर में हम लोग का ऐसा होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है, हम लोग का लीनियर पेयर में क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था जिसका टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता था. ओके, इधर देखो हम लोग का दो एंगल बन रहा है, कौन सा, ए बी डी और डी बी सी.